वेलकम टू स्टडी क्लासेस। स्टडी क्लासेस के इस चैनल पर हम इस सेशन में फिजिक्स के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, आपका एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार ये चौथा चैप्टर है और इसके अंतर्गत गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या करनी है। यानी अगर एक धारावाही चालक है तो उस धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र स्थापित करना है। सूत्र आप 10th के सिलेबस में पढ़ चुके हैं, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो F बराबर आई बी एल साइन थीटा की स्थापना हमको करनी है। अगर आवेश गतिमान होता है तो गति करते हुए आवेश पर बल कार्य करता है और उस बल का मान होता है क्यू वी बी साइन थीटा। F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, इसकी चर्चा हम इसके पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं कि अगर कोई आवेशी चालक गतिमान है तो उस पर लगने वाला बल क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पर क्यू वी बी साइन थीटा के स्थान पर यानी आवेश की हम बात करें, अगर कि एक इलेक्ट्रॉन गतिमान है जिसका आवेश स्मॉल ई है और उसका अनुगमन वेग वी डी है और चुंबकीय क्षेत्र बी में गति कर रहा है और क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गतिमान, तो उस पर लगने वाला बल ई वी बी साइन थीटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसलिए वी डी हो जाएगा। अब अगर चालक की लंबाई स्मॉल एल है और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद ए है तो आप ये जानते हैं कि प्रवाहित धारा I बराबर एन ई ए बी डी होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो बल कार्य करेगा अगर हम उसको इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या से गुणा कर दें तो चालक पर लगने वाला बल आ जाएगा। चालक पर बल F बराबर, इसको F डैश पढ़ लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन पर बल गुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन पर बल क्या होगा F डैश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब हुआ एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे उसका आयतन। तो F डैश क्या है, E B D B साइन थीटा और N A L, और इसी को आप लिख सकते हैं N N E A V D एक साथ और B L साइन थीटा एक साथ, और इसी को I कहा गया है तो I B L साइन थीटा आपका हो जाता है। यानी अगर कोई गतिमान आवेश है तो धारावाही चालक पर जो बल का सूत्र प्राप्त होगा वो गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के सूत्र से हम धारावाही चालक पर बल का सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अगर थीटा का मान जीरो हो जाए तो F बराबर जीरो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर क्षेत्र की दिशा की बात करें हम, यानी थीटा जीरो हो जाए तो क्षेत्र की दिशा में होगा चालक और जब चालक क्षेत्र की दिशा में होगा तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में एक ऐसा चालक उस दिशा में जब गति करता है जिस पर कोई बल कार्य नहीं करता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। माने किसी चुंबकीय क्षेत्र में वह दिशा जिसमें गति करने पर चालक पर कोई बल कार्य नहीं करता है या जिसमें स्थित होने पर चालक पर रिजरेखीय धारावाही चालक पर कोई बल कार्य नहीं करता है वो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह दिशा होती है जिसमें जब कोई धारावाही चालक स्थित होता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। यानी धारावाही चालक के लिए वह दिशा जिसमें धारावाही चालक पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। जो B का मात्रक होता है यहाँ से हम निकाल सकते हैं, B बराबर हो जाएगा F बटा आई एल साइन थीटा। यानी B का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और इसी को हम टेस्ला भी कहते हैं, एक टेस्ला बराबर एक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसका एक दूसरा मात्रक गॉस भी होता है और एक गॉस बराबर 10 की घात -4 टेस्ला,
बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल परीक्षा में प्रायः पूछ लिया जाता है कि टेस्ला और गास का क्या संबंध है, या एक टेस्ला बराबर कितने गास होता है? तो एक टेस्ला बराबर 10^4 गास होता है, एक गास बराबर 10^-4 टेस्ला होता है। ये भी एक बी का मात्रक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो तीन मात्रक आपको यहाँ दिख रहे हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला और गास। ये आपको याद रखने की जरूरत है। बी का विमीय सूत्र अगर यहाँ लिखना चाहें तो बी का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एम एल पी माइनस टू, एम का हो गया और एम्पियर के लिए ए और मीटर के लिए एल, क्या आएगा, एम पी माइनस टू ए माइनस। ये आपका बी का विमीय सूत्र हो जाएगा, एम पी माइनस टू ए माइनस वन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चुंबकीय क्षेत्र से एक सवाल आपको एक नंबर का जरूर मिलता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, एक टेस्ला की परिभाषा, इन सब से संबंधित सवाल आ सकते हैं। एक टेस्ला की परिभाषा अगर आप देना चाहें यहाँ तो क्या होगी, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, आई बराबर 1 एम्पियर, एल बराबर 1 मीटर, एफ बराबर 1 न्यूटन, तो बी क्या होगा, 1 टेस्ला। ये आप एक टेस्ला की परिभाषा यहां से दे सकते हैं, यानी यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे 1 मीटर लंबे चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस पर 1 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 1 टेस्ला। फिर हम देखें कि अगर कोई चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा है और उसके 1 मीटर लंबाई के चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस पर 1 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 1 टेस्ला। यानी 1 मीटर लंबे चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, चालक को क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर अगर उसमें 1 न्यूटन का बल कार्य करे तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 1 टेस्ला होगा, या 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा, या इसी को हम कह सकते हैं कि 10^4 गॉस होगा। एक फार्मूला आपको पढ़ना है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल का सूत्र, इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है या इस फार्मूले का डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है। कैसे करना है, अगर एक धारावाही चालक है तो बायो सावर्त का नियम पढ़ चुके हैं आप कि अगर कोई धारावाही चालक है तो वो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तार है, चालक का ही काम करेगा, उसके पास भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब उसके चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम दूसरा चालक तार ले आए तो ये चुंबकीय क्षेत्र उस पर एक बल कार्य आरोपित करेगा और इसी बल का हमको सूत्र प्राप्त करना है। यानी अगर दो तार हैं तो एक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो दूसरे पर बल लगाएगा, और दूसरे के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो पहले पर बल लगाएगा, यानी दोनों चालक एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। अब उस बल का सूत्र क्या होगा, बल की प्रकृति क्या होगी, बल की प्रकृति के बारे में अगर हम सोचें तो बल की प्रकृति आकर्षण और प्रतिकर्षण। अगर दोनों धाराएं एक ही दिशा में बह रही हैं तो उनके बीच आकर्षण होगा, और धाराएं अगर परस्पर विपरीत दिशा में हैं तो प्रतिकर्षण बल होगा। एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि अगर दो धारावाही चालक जिनमें धाराएं एक ही दिशा में बह रही हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच बल की प्रकृति होगी, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों कोई नहीं, तो अगर एक ही दिशा में धारा बह रही है तो बल आकर्षण की प्रकृति का होगा, और अगर धारा परस्पर विपरीत दिशा में बह रही है तो बल की जो प्रकृति होगी वो प्रतिकर्षणात्मक होगी, यानी उनके बीच विपल्सन कार्य करेगा, और जब धारा एक ही दिशा में बहेगी तो उनके बीच आकर्षण आएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब अगर हम दो धारावाही चालक तार की बात करें, PQ और RS, और इनमें धाराएं क्रमशः I1 और I2, I1 धारा और I2,
और धारा की दिशा हमने एक ही बना दी है, एक ही दिशा में है, ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो PQ में बहने वाली धारा के कारण, अगर हम यानी PQ के धारा के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालें, PQ में बहने वाली धारा के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B1 क्या हो जाएगा, म्यू जीरो I अपान 2 पाई R। तो I की जगह पर यहाँ चूंकि PQ के कारण है तो ये I1 हो जाएगा और टेस्ला होता है। अब इसकी दिशा अगर हम देखें तो आपको ये बताया गया है कि दिशा ज्ञात करने के लिए धारा की दिशा ये हो गई और इस पर निकालना है तो हम हथेली की जो शेष उंगलियां हैं वो उस बिंदु की ओर इशारा करें जहां हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो धक्का देने की दिशा दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर एक, अंगूठा धारा की दिशा में हो, उंगलियां उस बिंदु की ओर इशारा करें जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, यहां कागज के तल के लंबवत नीचे, कागज के तल के लंबवत नीचे की। आप इसका नोट्स भी तैयार करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, यहाँ दो धारावाही चालकों के बीच बल का सूत्र है, ये दो धारावाही चालकों के बीच बल, ये सूत्र है, इसका आप नोट्स भी तैयार कर लेंगे कि जब दो धारावाही चालक एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच बल कार्य करता है और ये बल जो होता है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण की प्रकृति का हो सकता है। दो तार हैं PQ और RS, इनमें क्रमशः धाराएं I1 और I2 हैं, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। PQ में बहने वाली धारा के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी V1 बराबर म्यू जीरो I अपान I1 अपान 2 पाई r और कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। अब RS की L लंबाई पर लगने वाला बल F क्या होगा, I B L sin थीटा। तो I हो गया I2 और B हो गया B1 और यह लंबाई पर है और 90 अंश है लंबवत, चालक धारा ऐसे है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है तो लंबवत हो गया I2 B1 म्यू जीरो अपान 2 पाई I1 अपान R और L। यानी हम लिख सकते हैं F बराबर म्यू जीरो अपान 2 पाई I1 I2 R अपान R इंटू L, ये हमारा सूत्र हो जाता है। ये जो मान मिलेगा वो न्यूटन में मिलेगा, इकाई लंबाई पर बल निकाला जाए, इकाई लंबाई पर बल तो हम इसका F बटा L लिखेंगे और म्यू जीरो अपान 2 पाई I1 I2 अपान R और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। यदि धारा एक ही दिशा में है, यदि धारा एक ही दिशा में है तो बल आकर्षण आकर्षण होगा और यदि धारा की दिशा विपरीत है तो बल
प्रतिकर्षण होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ हो सकता है परीक्षा के लिए, इसको आप निश्चित रूप से तैयार करें। अब इसी की सहायता से आई की परिभाषा यानी एम्पियर की परिभाषा भी देनी है। कैसे एम्पियर की परिभाषा क्या होगी इसकी चर्चा करते हैं। तो दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल का सूत्र मिला आपको, म्यू जीरो अपान टू पाई आई वन आई टू अपान आर इंटू एन। यदि आई वन बराबर आई टू बराबर आई हो जाए तो जो एफ का मान है वो हो जाएगा म्यू जीरो अपान टू पाई आई स्क्वायर अपान आर इंटू, ये बल का मान हो जाता है अगर दोनों चालक में प्रवाहित होने वाली धारा समान है। अब यहां पर अगर हम एक एम्पियर की परिभाषा देखें, एक एम्पियर की परिभाषा, एक एम्पियर कौन सी धारा है, आई वन और आई टू का मान अगर एक एम्पियर हो जाए कब होगा ऐसा, यदि आर बराबर एक मीटर ले, आर का मान एक मीटर हो जाए और एफ बटे एल का मान 2×10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर हो जाए। क्यों लिखा गया ऐसा, आप यहां से देखें, F बटा L बराबर म्यू जीरो अपॉन टू पाई इनटू आई स्क्वायर अपॉन आर। तो म्यू जीरो अपॉन टू पाई 4π×10⁻⁷ अपॉन टू पाई आई स्क्वायर और अपॉन एक। तो ये 2×10⁻⁷ आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान एक कब होगा, जब एफ बटे एल का मान 2×10⁻⁷ हो जाए, यानी आई स्क्वायर बराबर एक, यानी आई बराबर एक एम्पियर, आई बराबर एक एम्पियर। एक एम्पियर कौन सी धारा हो गई, वो धारा है जो वायु अथवा निर्वात में परस्पर एक मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर रिजुरेखीय लंबे तारों में तब प्रवाहित होती है जब उनकी एकांक न्यूटन, उनके एकांक लंबाई पर 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल कार्य करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक एम्पियर वह धारा है जो वायु या निर्वात में परस्पर एक मीटर की दूरी पर स्थित दो रिजुरेखीय लंबे समांतर तारों में प्रवाहित होने पर उनके एकांक लंबाई पर 2×10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न कर देती है। ये दो तार हो गए और इनके बीच की दूरी हो गई एक मीटर। एक एम्पियर कौन सी धारा है, एक एम्पियर वो धारा है जो वायु अथवा निर्वात में, ये वायु की विद्युत निर्वात, ये निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है म्यू जीरो, इसलिए वायु अथवा निर्वात में ये स्थित है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो वायु अथवा निर्वात में परस्पर एक मीटर की दूरी पर स्थित परस्पर समांतर लंबे रिजरेखीय तारों के एकांक लंबाई पर 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर देती है, उस धारा को हम एक एम्पियर कहते हैं। यानी वायु अथवा निर्वात में परस्पर एक मीटर की दूरी पर स्थित समांतर लंबे रिजरेखीय तारों में प्रवाहित होने वाली वह धारा जो उनके एकांक लंबाई पर 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर देती है उसे हम एक एम्पियर कहते हैं। ये परिभाषा भी महत्वपूर्ण हो सकती है परीक्षा के लिए। तो ये कुछ बात हुई, इसमें अभी आपका थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है इस चैप्टर में, एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार हम उसी के अनुसार आपको जो हमारा चैनल है उस पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और उस प्लेलिस्ट से आप एनसीईआरटी का चैप्टर डालकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा पूरा, जितने लेक्चर उस चैप्टर के हैं वहाँ मिलेंगे आपको, हम पूरा पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ। तो ये एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार अभी इसमें आपको धारा लूप पर बलयुग का आघूर्ण और चल कुंडल धारामापी पढ़ना है, इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर की जो चर्चा हो रही थी इस टॉपिक से कुछ जो छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं, हमने इसके पहले भी चर्चा की, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र पूछा जा सकता है, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/c² हमने सिद्ध कराया है तो आप वहाँ से विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, मान पूछा जा सकता है, मात्रक पूछा जा सकता है, इस सूत्र पर न्यूमेरिकल हो सकते हैं,
यानी इस सूत्र पर न्यूमेरिकल हो सकते हैं। एकांक लंबाई पर बल निकालने पूछा जा सकता है, एक टेस्ला की परिभाषा पूछी जा सकती है, गास और टेस्ला में संबंध पूछा जा सकता है, बी का मात्रक और विमीय सूत्र पूछा जा सकता है। ये सवाल आपके हो चुके हैं और सब हमने इसकी चर्चा सब की है। वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करने के लिए कहा जा सकता है। टोराइड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, किसी लंबे सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई आर के सूत्र की सहायता से न्यूमेरिकल हो सकते हैं। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र उसकी सहायता से न्यूमेरिकल हो सकते हैं। बायो सावर्ट का नियम और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है उसको स्थापित करने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा R बराबर एम वी बटा क्यू भी आपको स्थापित कराया गया। जब चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर कार्य करने वाले जो बल है उसके कारण जो उसकी दिशा हो जाती है वो वृत्ताकार हो जाती है। अगर लंबवत प्रवेश करता है तो वृत्ताकार होती है, जीरो कोण पर प्रवेश करता है तो सीधे चला जाता है, सरल रेखीय पथ पर चलता है, और अगर तिरछा प्रवेश करता है तो कुंडलनीय पथ का अनुसरण करता है। तो जो गमन पथ है उसकी दिशा क्या होगी इसकी बात करनी है, और इससे सवाल हो सकते हैं। इस पर R बराबर एम वी बटा क्यू भी एक सूत्र हमने कराया है, तो जो त्रिज्या का मान है वो संवेग के अनुक्रमानुपाती, R बराबर एम वी बटा क्यू भी हमने कराया है। अगर आपको याद हो एम वी बटा क्यू भी, तो एम वी क्या है, R बराबर एम वी बटा क्यू भी। तो एम वी क्या है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, यानी कण का रैखिक संवेग, तो रेखीय संवेग के अनुक्रमानुपाती होता है और चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस पर भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, एक नंबर का सवाल इस पर छोटा क्वेश्चन आ सकता है। एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा पर सवाल हो सकता है, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा पर सवाल हो सकता है। छोटे छोटे सवाल ये हो सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक और विमीय सूत्र निकालने को कहा जा सकता है। ये बल की प्रकृति, इस सूत्र से बल की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, कब आकर्षण होती है, कब प्रतिकर्षण होती है, इस पर सवाल हो सकता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल ये भी है कि इस तरीके के दो तार दिए हुए हैं और उनमें धारा प्रवाहित हो रही है और किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र पूछा जा सकता है। ये इस प्रकार से है और इनके बीच की दूरी आर है, यहाँ पर एक बिंदु पी है, ये धारा आई बह रही है, ये धारा टू आई बह रही है, P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो आप, अगर आपको दिशा आती है निकालना, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर एक कि हम अंगूठे को धारा की दिशा में और अंगुलियों को उस बिंदु की ओर रखें जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। इसकी सहायता से हम परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दोनों तारों के कारण निकाल लेंगे और फिर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आएगा, अगर दोनों एक ही दिशा में हैं, धक्का देने की दिशा माने दोनों नीचे हैं तो जुड़ जाएंगे, दोनों ऊपर हैं तो भी जुड़ जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे है तो उनको हम घटाकर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। तो इस तरीके का ये सवाल हो सकता है और ये प्रश्न महत्वपूर्ण भी हो सकता है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन हमने बताया, बायो सावर्ट का नियम हो सकता है, एम्पियर का परिपथीय नियम और इसका अनुप्रयोग करके बी बराबर म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई आर की स्थापना पूछी जा सकती है, सी स्क्वायर बराबर एक बटा म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये जरूर पूछ लिया जाता है या इस पर सवाल, और ये सूत्र भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र का ये कुछ टॉपिक था, चल कुंडल धारामापी, धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण, इसकी चर्चा हमको करनी है अगले लेक्चर में हम करेंगे। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की चर्चा हम इसके बाद लेक्चर में करेंगे और वहाँ पर हम इसके कुछ आंकिक प्रश्न देखेंगे जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप अपना नोट्स तैयार करें, इस चैप्टर का आप नोट्स तैयार कर लें। नोट्स तैयार करने के लिए आप वीडियो को बार बार पास करके देखेंगे, पास करेंगे फिर प्ले करेंगे, फिर पास करेंगे फिर प्ले करेंगे, तो आप अपना नोट्स उस तरीके से
किताब और वीडियो की सहायता से अपना नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय रुद्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इन वीडियोस का बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस तैयार कर पाएं। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। आपके जो भी ग्रुप हैं, सोशल मीडिया के जो भी साधन हैं जहाँ पर आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।